एसएफआई का प्रदेश स्तरीय 20वां राज्य सम्मेलन का शुभारंभ हमीरपुर से हो गया है। 3 दिवसीय राज्य सम्मेलन का शुभारंभ विशाल रैली के साथ हुआ और सैकड़ों की तादाद में एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने हमीरपुर शहर की परिक्रमा कर प्रदेश और मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगाकर अपना गुब्बार निकाला। बाद में गांधी चौक पर सम्मेलन के दौरान एसएफआई राष्ट्रीय अध्यक्ष बीपी सानू, प्रदेश अध्यक्ष विक्रम कायत भी मौजूद रहे। एसएफआई राष्ट्रीय अध्यक्ष बीपी सानू ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार शिक्षा के निजीकरण करने के लिए लगी हुई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बुरी तरह से प्रभावित करने में लगी हुई है। सानू ने कहा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू नहीं होनी चाहिए और शिक्षा के भगवाकरण को बंद करना मुख्य मांगों में है। बीपी सानू ने एसएफआई और कम्युनिस्ट पार्टी को केंद्र सरकार देश को विभाजन करने वाली ताकतें करार देने के मुद्दे पर कहा कि एसएफआई संगठन को किसी संगठन से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है, जो कि सावरकर को अपना गुरु मानते हैं। उन्होंने कहा कि एसएफआई देश के कई राज्यों में मॉब लॉन्चिंग के खिलाफ आंदोलन कर चुकी है। एसएफआई राष्ट्रीय सह सचिव दिलीप डेंता ने कहा कि एसएफआई देश में शिक्षा नीति को बचाने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में आज नफरत की राजनीति का माहौल बनाया जा रहा है। इसके खिलाफ भी एसएफआई संगठन अधिवेशन कर समस्या को हल करने के लिए लगी हुई है। प्रदेश एसएफआई प्रदेश अध्यक्ष विक्रम कायत ने कहा कि 3 दिनों तक चलने वाले अधिवेशन में प्रदेश के अंदर शिक्षा नीति को प्रभावित किया जा रहा है, जिसे रोकने के लिए 3 दिनों तक विचार कर रणनीति बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जयराम सरकार शिक्षा के फेडरल सिस्टम को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, जो कि गलत है। साथ ही प्रदेश में होने वाली इन्वेस्टर मीट के माध्यम से भी शिक्षा का व्यापारीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका एसएफआई विरोध करती है। इस अवसर पर राष्ट्रीय एसएफआई उपाध्यक्ष मोनिका बडिला, राष्ट्रीय सचिव मियुंक विश्वास, राज्य सचिव अमित कुमार, जिला अध्यक्ष दिनेश, पूर्व अध्यक्ष अनिल मनकोटिया, कश्मीर सिंह ठाकुर, जोगिंदर कुमार इत्यादि भी मौजूद रहे। प्रदेश कांग्रेस वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक अनीता वर्मा ने धर्मशाला में होने वाली इन्वेस्टर मीट को लेकर बीजेपी सरकार पर संशय जाहिर किया है। साथ ही चुनावों में कांग्रेस उम्मीदवार को जीतने का दावा भी किया। अनीता वर्मा ने कहा कि धर्मशाला उपचुनाव में प्रचार के दौरान लोगों की बीजेपी सरकार के प्रति मायूसी देखने को मिलेगी, क्योंकि धर्मशाला में कांग्रेस कार्यकाल में हुए विकास कार्य से लोग काफी खुश हैं, इसलिए उपचुनाव में कांग्रेस को जीत हासिल होगी। अनीता वर्मा ने कहा कि धर्मशाला में स्मार्ट सिटी को लेकर कोई काम नहीं किया है और स्मार्ट सिटी के लिए बजट ऐसे ही पड़ा हुआ है, जिसके कारण धर्मशाला के लोग भी बीजेपी सरकार से नाराज चल रहे हैं, जिसका लाभ कांग्रेस उम्मीदवार को मिलेगा। अनीता वर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा आर्थिक मंदी के चलते कई लोग बेरोजगार हो गए हैं, लेकिन सरकार को इस और कोई ध्यान नहीं है। वर्मा ने कहा कि प्रदेश में होने वाली इन्वेस्टर मीट पर भी बीजेपी सरकार पर संशय की स्थिति पैदा कर रही है, क्योंकि इतना खर्च कर पीएम को बुलाया जा रहा है। उन्होंने शक जाहिर करते हुए कहा कि इन्वेस्टर मीट में बीजेपी सरकार के साथ आज तो कंपनियां हैं, लेकिन वे बाद में कोई और प्रोजेक्ट लगाकर अपना काम निकालेंगी। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत हमीर भवन में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें 125 से अधिक नए उद्यमी आवेदकों व पुराने उद्यमियों तथा जिला के विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यशाला की अध्यक्षता उपायुक्त हरकेश मीणा ने की। उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य नए उद्यमी आवेदकों को पुराने व अनुभवी
उद्यमियों के विचारों व अनुभवों से अवगत करवाना था, ताकि वे पुराने उद्यमियों से सीख कर अपने उद्योग को बेहतर ढंग से संचालित कर अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकें। इस दौरान उपायुक्त ने नए आवेदक उद्यमियों से नए उद्योग स्थापना को लेकर बातचीत की तथा इसे स्वरोजगार के रूप में अपनाने के साथ अन्य लोगों को भी इसके माध्यम से रोजगार प्रदान करने को कहा। कार्यशाला में उपलब्ध दोनों योजनाओं के अंतर्गत आवेदकों की परियोजना रिपोर्ट का अध्ययन किया गया तथा त्रुटियों का भी निवारण किया गया। बैठक में उद्योग विभाग के महाप्रबंधक विजय चौधरी ने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के बारे में कहा कि योजना के तहत 18 से 45 वर्ष के युवक व युवतियां पात्र हैं, किसी भी विनिर्माण क्षेत्र या अधिसूचित सेवा क्षेत्र में अपना उद्योग लगा सकते हैं। इस योजना के तहत कुल 60 लाख तक के निवेश, 40 लाख के उपकरण पर 25 से 30% महिलाओं के लिए अनुदान उपलब्ध है। योजना में आवेदन करने के लिए पार्थिक उद्योग विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का आवेदन पत्र ऑनलाइन भरकर आधार कार्ड, बोनोफाइड हिमाचली एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। अधिक जानकारी के लिए आवेदक जिला उद्योग केंद्र हमीरपुर में आकर महाप्रबंधक या परियोजना प्रबंधक या खंड विकास अधिकारी के कार्यालय में प्रसार अधिकारी उद्योग से संपर्क स्थापित कर सकता है।